हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीक चैनल में। तो दोस्तों, आज की डिस्कस करेंगे कॉलेज वैकेंट सीट बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी का सीएलसी फिफ्थ राउंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्टार्ट हो चुका है 16 नवंबर से। तो दोस्तों, इसी बीच हमारे कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई हैं, कितनी सीटें खाली हैं और हमारा एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। सीएलसी फिफ्थ राउंड के बारे में सभी सीटें चेक करना हम सीखेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में दोस्तों आप चेक कर पाएंगे। यूजी का चेक करना चाहते हैं तो यूजी का क्लिक करना है, यूजी की वेबसाइट पर आना है। और अगर आप पीजी का करना चाहते हैं तो पीजी के लिए आना है, सेम प्रोसेस रहेगा सभी के लिए। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको आ जाना है। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक लिंक दिखाई देगा, वैकेंसी फॉर कॉलेज लेवल काउंसलिंग 5। देखिए, जैसा कि मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैकेंसी फॉर कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो कि 16 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आप चेक कर सकते हैं कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में कितनी सीटें खाली रह गई हैं, वैकेंसी सीट कितनी हैं, ये डेली अपडेट हुआ करेगा। और लेकिन 16 नवंबर और 17 नवंबर से जो अपडेट नहीं हुआ करेगा, जो अब अपडेट हो चुका है 16 नवंबर पर जो अपडेट हो चुका है, वहीं दो दिन का अपडेट रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, 18 नवंबर से आपके लिए डेली अपडेट हुआ करेगा कि कितनी सीटें खाली हैं और कितनी सीटें भर चुकी हैं। तो दोस्तों, चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी वैकेंसी को चेक करने के लिए अपना ज़िला चॉइस करना है, अपने कॉलेज का नाम चॉइस करना है, कोर्स का लेवल यूजी का देखना चाहते हैं, पीजी का देखना चाहते हैं, वो यहाँ से क्लिक सेलेक्ट करना है। और इसके बाद दोस्तों, किस कोर्स के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस कोर्स का देखना चाहते हैं, उस कोर्स को सिलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से फिल कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने अपना डाटा फिल कर लिया है। और इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा, स्टेटस में दिखाई देगा सीएलसी 5 वैकेंसी, किस कॉलेज के लिए देखना चाहते हैं कॉलेज का नाम दिखाई देगा, और किस कोर्स के लिए देखना चाहते हैं उस कोर्स का नाम और ब्रांच का नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हम यूजी का देखना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट का। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज में टोटल जो सीटें हैं, जो गवर्नमेंट आदर्श साइंस कॉलेज ग्वालियर का एक कॉलेज है, इस कॉलेज में जो टोटल सीटें हैं वो टोटल सीटें थी 805। कितनी सीटें थी दोस्तों, 805 टोटल सीटें थी। इसमें से अब सीएलसी फिफ्थ राउंड के लिए जो सीटें रह गई हैं वो रह गई हैं खाली सीटें 338। कितनी सीटें खाली हैं, 338 सीटें खाली हैं अभी इस कॉलेज में। कितनी सीटें खाली हैं दोस्तों, 338 सीटें खाली हैं। टोटल जो सीटें थी वो थी 805। तो दोस्तों, इस तरह से आपको चेक करना है। अगर दोस्तों हम दूसरे कॉलेज की बात करें तो देखिए, इसमें जो टोटल सीटें हैं वो हैं 46। कितनी सीटें हैं दोस्तों, टोटल 46 टोटल सीटें हैं। और इसमें से जो वैकेंट सीट्स, वैकेंट सीट का मतलब होता है दोस्तों खाली सीट है। तो दोस्तों, खाली सीटें कितनी है इसमें, 38 खाली सीटें हैं। टोटल सीटें 46 थी और जो वैकेंट सीट खाली सीट कितनी हैं, 38 खाली सीटें हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से एक दूसरा कॉलेज और सिलेक्ट किया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल जो सीटें हैं वो हैं 138, यानी कि 138 सीटें हैं इस कॉलेज में। और वैकेंट सीट का मतलब होता है खाली सीटें। तो इस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, 0, यानी कि एक भी सीटें खाली नहीं हैं। तो इस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं दोस्तों, एक भी नहीं, 0 लिखा है, तो उसका मतलब है एक भी सीटें खाली नहीं है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी जानकारी समझ में आ गई होगी और दोस्तों आप अच्छे सीख भी गए होंगे कि किस तरह से खाली सीटें चेक करना है। ओके, तो वीडियो को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ में, और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को इंपैक्ट करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।